आप सभी का मेरे चैनल जेई जीनियस पे। आज हम देखेंगे जी मेंस 2019 का पेपर मैथमेटिक्स पोर्शन आज हम कवर करेंगे। शिफ्ट वन में ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था 12 जनवरी 2019 को। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, z माइनस अल्फा बाय z प्लस अल्फा प्योरली इमेजिनरी है, मॉड z 2 है, तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको पहले t लेट कर लेते हैं। अगर ये t है तो क्योंकि हमें दिया है t प्योरली इमेजिनरी, इट मींस t प्लस t बार ये जीरो होगा। तो z माइनस अल्फा बाय z प्लस अल्फा प्लस इसका कॉन्जुगेट z बार माइनस अल्फा बाय z बार प्लस अल्फा, ये हमारा जीरो होगा। एलसीएम ले लें अगर हम यहाँ पे, तो z माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय z बार प्लस अल्फा प्लस z बार माइनस अल्फा z प्लस अल्फा, ये जीरो आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, तो z z बार माइनस अल्फा स्क्वायर और z बार z माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। माइनस अल्फा z बार और माइनस अल्फा जेड ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां तक हम पहुंच गए। इसको हम लिख सकते हैं जेड जेड बार माइनस अल्फा स्क्वायर टू टाइम्स, तो टू इधर भेज देंगे तो इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो जेड जेड बार हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर के बराबर है, और जेड जेड बार को हम मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कहते थे। इट मीन्स अल्फा हमारा होगा मॉड जेड का स्क्वायर फोर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर फोर इट मींस अल्फा हमारा प्लस माइनस टू होगा। तो सेकेंड ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट है। क्यू माइनस पी टू दी पावर फाइव आई थ्री है, ये पी टू दी पावर फाइव है और हमें क्यू टू वन प्लस क्यू थ्री वन बाय क्यू थ्री टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम पी टू दी पावर फाइव फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पी स्क्वायर तो निकालो, 1003109 31 और 1003109 31। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन, सेकेंड कॉलम सब जीरो जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 336 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वन, ये जीरो, इसको इससे करो नाइन और नाइन एट्टीन, एट्टीन और नाइन 27 और इसको इससे करोगे तो 3 और 3 6 मिलेगा और ये 1, ये हमारा पी स्क्वायर आ गया। अगर हम पी स्क्वायर में पी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा पी 4 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 0 0 1 0 1, ये वाले टर्म्स हमारे सेम आएंगे। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 12, ये 12 हो जाएगा, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 27 और 12 54 और 12 64 66 27 और 27 54 बनेगा, 54 और 12 54 और 12 66 और इसको इससे करते हैं तो 0 6 और 6 12, ये हमारा P4 आ गया। P4 को अगर हम P1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो P5 हमारा बन जाएगा। P हमारा था 1 0 0 3 1 0 9 3 1, तो इजिली हमें P5 मिल जाएगा 1 0 0 1 0 1, और इसको इससे करोगे तो 12 और 3 15 यहां मिलेगा। सिमिलरली हम देख रहे हैं सिमेट्रिकल रह रहा है, 15 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 66 36 और 9, तो 135 आ जाएगा। यहां से P5 हम देख रहे हैं Q माइनस P5 I3 के बराबर है, तो Q मैट्रिक्स जो होगी हमारी, P5 जो हमारा आया है इसमें I3 ऐड करके मिल जाएगी। तो अगर हम इसमें I3 ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 2 0 0 15 2 0 और 135 15 2,
ये हमारा क्यू बन गया Q21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 15 है और 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हमारा 135 है और डिवाइडेड बाय Q32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 15 है तो 150/15 आ रहा है, इट मींस ये हमारा 10 होगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अरे फेयर डाइस हम फेंकेंगे, जब 2 4s आ जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट एंड हो जाएगा, तो फिफ्थ थ्रो में एक्सपेरिमेंट एंड होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिफ्थ थ्रो में एक्सपेरिमेंट तब एंड होगा जब सक्सेसिव 4 लास्ट 2 टर्न पे आ जाए या ये सिचुएशन बने तब भी एक्सपेरिमेंट एंड हो जाएगा या फिर ये सिचुएशन बने तब भी एक्सपेरिमेंट हमारा एंड हो जाएगा। तो 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी, तो 5/6 ये क्यूब हो जाएगा और 1/6 4 आने की प्रोबेबिलिटी है तो 1/6 स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे हम 1/6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी तो 1/6 क्यूब बनेगा और 5/6 स्क्वायर बनेगा और ऐसे ही यहां पे 1/6 का क्यूब बनेगा और 5/6 का स्क्वायर बनेगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5³ 125, 5² 25 और 5² 25 और नीचे 6^5 तीनों में बन रहा है तो ये हमारा 175/6⁵ आ गया। इट मींस सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रखा है। 1 से लेके 100 तक के नंबर है, हमें ऐसे सबसेट्स बताने हैं जिसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट हमारा इवन आए, तो एटलीस्ट 8 टर्म भी अगर इवन हो गया या एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी अगर इवन हो गया तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। ये हमें कैसे मिल सकते हैं, हम टोटल सबसेट्स लिखे, 100 एलिमेंट्स हैं तो 2^100 टोटल सबसेट्स होंगे, उनमें से हम ऑड वाले जो सबसेट्स हैं वो हटा दें जिनमें ऑड नंबर्स होंगे, तो 50 नंबर्स ऑड है यहाँ पे, 2^50 सबसेट्स हटा दें, इतने सबसेट्स ऐसे होंगे जिनमें कम से कम एक नंबर इवन आ रहा होगा, इट मींस कि जो प्रोडक्ट होगा एलिमेंट्स का वो इवन रहेगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। नंबर 5 पे आते हैं, टेट्राहेड्रन है जिसके वर्टिसेस हमें दिए हैं और हमें एंगल बिटवीन फेस ओपीक्यू और पीक्यूआर निकालना है, तो हम ओपीक्यू और पीक्यूआर के परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालते हैं, उनके बीच में जो एंगल होगा वही फेसेस के बीच में एंगल होगा, तो पहले हम वेक्टर फाइंड करने जा रहे हैं ओपीक्यू के परपेंडिकुलर, तो वो होगा ओपी क्रॉस ओक्यू अगर हमें लिखना है, आई जे के ओपी और ओक्यू, इसको एक्सपेंड करेंगे अगर हम 6 - 1 5 i 3 - 2 1 - j 1 - 4 - 3 k, ये x1 वेक्टर आ गया। x2 वेक्टर अगर हमें लिखना है तो वो होगा pq वेक्टर क्रॉस pr वेक्टर, तो ये लिखते हैं i j k pq, तो 2 - 1 1 - 2 - 1 और 3 - 1 2 और pr -1 - 1 - 2 1 - 2 - 1 और 2 - 1 1, इसको एक्सपेंड करते हैं -1 और +2 - 1 और +2 means 1, तो 1 i और -j, इसको एक्सपेंड करते हैं 1 + 4 5 और k के कोएफिशिएंट होगा -1 - 2 - -1 - 2 - 3 k, ये हमारा x2 वेक्टर आ गया। अब दो वेक्टर्स हमें पता है, इनके बीच में एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो cos थीटा a डॉट b बाय ए बी होता था, इनका डॉट करो 5 + 5 + 9 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 35 और 9 34 और 1 35 का रूट और इसका मैग्नीट्यूड 35 और 9 34 और 1 35, तो ये आ गया हमारा 19/35, तो थीटा हमारा हो गया cos इनवर्स 19/35, फर्स्ट ऑप्शन हमारा। ऑर्डर पेयर अल्फा बीटा हमें बताना है कि अगर ये 3 लीनियर इक्वेशंस है तो यूनिक सॉल्यूशन है अगर, तो किसमें कौन सा ऑर्डर पेयर यहां पे रहेगा, तो डिटरमिनेंट जल्दी से बना लेते हैं। 1 + α β 1
यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मैं यूज कर रहा हूं अल्फा 1 प्लस बीटा और 1 और इधर अल्फा बीटा और 2, ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें कॉलम 1 पे अगर हम लगा लें कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा सब में क्रिएट होगा, उसको मैं बाहर कर रहा हूं। अब यहां पे हमारा बचेगा 1 1 1 बीटा 1 1 प्लस बीटा 1 और बीटा 2। सेकेंड रो पे अगर मैं फर्स्ट रो घटाऊं, थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो माइनस करूं, तो ये डिटरमिनेंट मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 1 बीटा 1 0 1 0 0 0 1 में। डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, इट मींस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इट मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 नहीं होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 ना हो ऐसा हमें सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, इट मींस सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। फैक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी हमें 500 कर दिए ना, तो हम जीपी के टर्म्स को मान रहे हैं ए बाय आर, ए और ए आर, इनका प्रोडक्ट हमें गिवेन है 512। तो इससे ए क्यूब 512 आ गया, 512 8 का क्यूब है, तो ए हमें मिल गया 8। ए 8 यहां रख देते हैं, 8 बाय आर 8 और 8 आर हमारे टर्म आ गए। क्वेश्चन में कहा गया अगर हम फर्स्ट और सेकंड टर्म में 4 ऐड कर दें तो ये एपी में हो जाता है। अगर ये एपी में है तो बीच वाला टर्म इनका अरिथमेटिक मीन होगा 8 बाय आर प्लस 4 प्लस 8 आर का, 4 कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं तो इधर 6 बचेगा और इधर 2 बाय आर प्लस 1 प्लस 2 आर बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आर स्क्वायर बाय आर, तो आर इधर हमने भेज दिया, 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक के फैक्टर बन रहे हैं 4 और 1, 4 और 1 अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो इससे r हमारा आ जाएगा 2 और 1 बाय 2। अगर हम r 2 ले लेते हैं तो ये नंबर्स हमारे आ जाएंगे 4, 8 और 16। 4, 8, 16 को अगर हम ऐड करते हैं तो 28 आ रहा है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। इस क्वेश्चन में एक हाइपरबोला है, इसके वर्टेक्स गिवन है और एक फोकस गिवन है, हमें बताना है कौन सा पॉइंट हाइपरबोला पे लाए नहीं कर रहा है। तो वर्टेक्स गिवन है, इट मींस ए हमें 2 गिवन है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, ए स्क्वायर को अगर हम अंदर भेज देंगे तो ये ई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और फोकस गिवन है, इट मींस ए गिवन है, ए हमारा 3 है, फोकस की वैल्यू भी ए ही होती है, तो यहाँ 3 अगर हम रख देंगे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 9 माइनस 4, तो बी स्क्वायर हमारा 5 आ गया। इट मींस जो हाइपरबोला की इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गई। अब हम इसमें चेक कर सकते हैं कौन सा पॉइंट इस पे लाए नहीं कर रहा है, 2√6,5 रखेंगे अगर तो 4 × 6, 4 कट जाएगा 6 बचेगा और 5 कट जाएगा, 6 माइनस 5 1 आएगा। ये रखेंगे अगर हम 36 बाय 4 9 बचेगा और यहां पे अगर हम रखेंगे 25 × 4 ये नहीं कटेगा, तो इट मींस सेकंड पॉइंट हमारा हाइपरबोला पे लाए नहीं कर रहा है, तो सेकंड में हम टिक लगाएंगे। नंबर 9, एक लाइन गिवन है वेरिएबल लाइन 3x प्लस 4 बाय माइनस लैम्डा और दो सर्कल गिवन है जो इसके अपोजिट साइड में लाए कर रहे हैं। इस सर्कल का सेंटर हमें दिख रहा है माइनस जी माइनस एस से 1,1 है और इस सर्कल का सेंटर अगर हम माइनस जी माइनस एस से देखेंगे तो 9,1 दिख रहा है हमें। इसका रेडियस अगर हम √g² + c² - c से निकालेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा और इसका रेडियस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा 81 + 1 = 82 - 78 2 आ जाएगा। अब पहली कंडीशन देखो, अगर हम ये सेंटर को एज पॉइंट लें तो ये इस लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहा है, इट मींस अगर हम सेंटर इसमें रख दें 1,1
और ये वाला सेंटर इसमें रख दें 27 प्लस 4 31 माइनस लैम्डा, तो इस क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 से 31। दो कंडीशंस हम और यूज करेंगे क्योंकि ये लाइन इस सर्कल को कट नहीं कर रही, इट मींस इस सेंटर का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होना चाहिए। सिमिलरली वहां पे भी ये कंडीशन यूज करेंगे, पहले इस सेंटर का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना अगर हमें, तो 27 प्लस 4 31 माइनस लैम्डा का मॉड ये ग्रेटर देन 2 होना चाहिए हमारा बाय 5। तो 31 माइनस लैम्डा मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसको हम लैम्डा माइनस 31 भी लिख सकते हैं। एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं तो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 41 आएगा, और एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू 21 आएगा। सेकेंड वाली इक्वेशन यूज करते हैं सिमिलरली, इसका डिस्टेंस भी रेडियस से ज्यादा होना चाहिए, तो 1, 1 रखेंगे अगर हम, तो 7 माइनस लैम्डा का मॉड बाय 5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। इट मींस 7 लैम्डा माइनस 7 मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। पहले इसको पॉजिटिव लेते हैं तो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आएगा, और इसको नेगेटिव लेंगे तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। अगर हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव के लिए निकालेंगे तो इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर इसको नेगेटिव के लिए लिखेंगे तो इसको हमें पॉजिटिव के लिए लिखना पड़ेगा। इन वैल्यूज का इंटरसेक्शन निकालते हैं। 7 से 31 लैम्डा था हमारा, ये सर्किल वाला केस देखो, लैम्डा 21 से छोटा है और 12 से बड़ा है, 12 और 21 के बीच में है, और पहले वाले केस में 7 और 31 के बीच में, तो हमें क्लियरली दिख रहा है जो लैम्डा है हमारा 12 और 21 के बीच में हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्टूडेंट्स बाय पार्ट का इंटीग्रल का क्वेश्चन हमारे सामने है। कॉस लॉग एक्स को हम यू मानेंगे और 1 को हम वी मानेंगे, बाय पार्ट लगाएंगे, तो कॉस लॉग एक्स को हमने वैसे ही लिखा और इस इंटीग्रल को हम आई कह दे रहे हैं। कॉस लॉग एक्स को वैसे लिखा, 1 का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, साफ साफ बाय पार्ट का क्वेश्चन हमारे सामने है। यहां पे 1 लिख लेंगे, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। cos log x को वैसे ही लिखेंगे, तो cos log x को मैंने वैसे ही लिखा, और 1 का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, इस इंटीग्रल को i कह रहे हैं, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, cos log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय x, और cos log x होगा माइनस साइन log x, और 1 का इंटीग्रल होगा x, फिर होल का इंटीग्रेशन, x कैंसिल हो जाएगा। साइन log x को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, साइन log x को इंटीग्रेट करते हैं, फिर से वैसे ही 1 का इंटीग्रल x होगा, साइन log x को वैसे ही लिखेंगे, माइनस 1 का इंटीग्रल साइन log x का डिफरेंशिएशन, तो cos ऑफ log x बाय x होगा, और होल का इंटीग्रल, ये वही i मिल गया हमें, सेम इंटीग्रल है जिसे हम लेके चले तो उधर भेज देंगे, तो 2i इज इक्वल टू x cos log x प्लस x sin log x प्लस c आ जाएगा, 1/2 को इधर कर देंगे, तो x बाय 2 cos log x प्लस sin log x, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बूलियन का लॉस का यूज करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये p एंड q है, तो p q लिख लेते हैं, प्लस p प्लस q बार, ये ऐसे लिखते हैं, और फिर एंड है p बार q बार, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, p इसमें इसमें कॉमन करेंगे अगर हम, तो q प्लस 1 बनेगा, और q प्लस 1 1 हो जाएगा हमारा, तो p प्लस q बार हमारा आ गया,
इसको अंदर भेज देते तो पी पी बार क्यू बार प्लस क्यू बार पी बार क्यू बार आएगा, ये जीरो हो जाएगा, पी पी बार जीरो होगा और क्यू बार क्यू बार क्यू बार हो जाएगा, तो क्यू बार डॉट पी बार आ गया। इट मींस पी नेगेशन और एंड है बीच में क्यू नेगेशन, तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो गया। मैक्सिमम वैल्यू हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, तो पहले इस पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। थ्री कॉस थीटा प्लस फाइव साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फाइव को अंदर भेजते हैं तो थ्री कॉस थीटा प्लस फाइव रूट थ्री बाय टू साइन थीटा माइनस फाइव बाय टू साइन थर्टी वन बाय टू कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा वाले टर्म्स को साथ में कर लेते हैं तो एलसीएम लेंगे सिक्स माइनस फाइव वन बाय टू कॉस थीटा प्लस फाइव रूट थ्री बाय टू साइन थीटा आ जाएगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं। वन बाय टू स्क्वायर प्लस फाइव रूट थ्री बाय टू का स्क्वायर का रूट अगर हम करेंगे वन बाय फोर प्लस सेवेंटी फाइव बाय फोर का रूट, इट मीन्स सेवेंटी सिक्स बाय फोर का रूट रूट ऑफ नाइनटीन, इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। इसमें ये एक्सप्रेशन हमें दिया और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें पहला काम हम ये कर सकते हैं बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये टू एक्स टू दी पावर वाई बचेगा और ये टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई बचेगा। अब थोड़ा सिंपल हो गया, अब लॉग लेते हैं। वाई लॉग टू एक्स इज इक्वल टू लॉग टू प्लस लॉग ऑफ ई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई नीचे आएगा लॉग ई वन हो जाएगा। वाई इधर भेज दें अगर हम तो वाई कॉमन हो जाएगा, वाई वन प्लस लॉग टू एक्स इज इक्वल टू लॉग टू प्लस एक्स हो गया। डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहां पे प्रोडक्ट टू लगा रहे हैं। वाई डैश इसको वैसे लिखा प्लस वाई वैसे लिखा, इसका डिफ्रेंशिएशन वन बाय टू एक्स इंटू टू, इसका जीरो एक्स का वन, तो वाई डैश वन प्लस लॉग टू एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू यहां से रख देते हैं लॉग टू प्लस एक्स बाय वन प्लस लॉग टू एक्स आ गई इज इक्वल टू वन। वन प्लस लॉग टू एक्स का स्क्वायर चाहिए हमें डीवाई बाई डी एक्स के साथ, तो इसको हम वन प्लस लॉग टू एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करे देते हैं, वन प्लस लॉग टू एक्स से मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं जैसे कि यहाँ स्क्वायर क्रिएट हो जाए, तो यहाँ लॉग टू प्लस एक्स बाय एक्स हो जाएगा और यहाँ वन प्लस लॉग टू एक्स हो जाएगा। इस टर्म को इधर भेज देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी वन प्लस लॉग टू एक्स माइनस लॉग टू प्लस एक्स बाय एक्स। एलसीएम लेंगे अगर हम एक्स प्लस एक्स लॉग टू एक्स माइनस लॉग टू माइनस एक्स बाय एक्स आएगा, तो एक्स लॉग टू एक्स माइनस लॉग टू बाय एक्स मीन्स ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट है। न्यू की डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज का सम बताना है तो कोप्लेनैरिटी की कंडीशन यूज करते हैं। डिटरमिनेंट बनाते हैं म्यू वन 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 म्यू वन और वन वन म्यू, इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। कॉलम वन पे हम लगा रहे हैं कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, तो म्यू प्लस टू यहां पे सब में क्रिएट हो जाएगा, उसको हमने कॉमन कर लिया। म्यू प्लस टू अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ वन 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 बचेगा वन म्यू वन 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 म्यू। अब हम रो टू पे लगाने जा रहे हैं रो टू माइनस रो वन और रो थ्री पे लगाने जा रहे हैं रो थ्री माइनस रो वन। तो वन 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 वैसे लिखा हमने, वन माइनस वन जीरो म्यू माइनस वन और जीरो 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 और म्यू माइनस वन। इसको अगर हम एक्सपेंड कर देंगे तो म्यू प्लस टू फर्स्ट कॉलम के वर्ड एक्सपेंड करो तो म्यू माइनस वन का स्क्वायर आएगा, इससे म्यू की वैल्यूज हमें मिल रही है माइनस टू वन और वन, पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज माइनस टू और वन है, माइनस टू और वन को एड करेंगे तो माइनस वन आएगा, इट मीन सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन हमारे सामने इस इक्वेशन से हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है कि सिंगलटन होगा, एक वैल्यू मिलेगी एक्स की कि
मोर देन टू एलिमेंट मिलेंगे कि टू एलिमेंट एग्जैक्ट मिलेंगे कि एम्प्टी सेट मिलेगा। तो इस पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x y, और ये इक्वल होगा पाई बाय 4 की। tan इनवर्स पाई बाय 4 हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, इट मींस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई। फैक्टर अगर करोगे इसके तो 6 और 1 आ रहे हैं, इट मींस x की वैल्यू हमारी आएगी माइनस 1 और 1 बाय 6, पर x माइनस 1 नहीं हो सकता क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, तो x इज इक्वल टू 1 बाय 6 वैल्यू है, इट मींस इट इज अ सिंगल टर्म। 16 पे आते हैं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग अगर हम लिखेंगे तो वो होगा n c r x टू द पावर n माइनस r और y टू द पावर r, और इसको डिवाइड करना हमने फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड से, तो इनको इंटरचेंज करना है तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड मिल जाएगा, मतलब फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड जो होगा हमारा वो होगा एन सी आर। इसको पहले हम लिखेंगे और टू टू दी पावर 1/3 हमारा बाद में आ जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, 2 to the power 1/3 5/3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 to the power 4 3 to the power 4/3, ये ऊपर जाएगा 2 to the power 5 3 to the power 5/3, और यहां पे 2 to the power 4/3 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5/3 माइनस 4/3 1/3, 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 ये हमारा होगा 4/3, तो 2 to the power 4/3 आ रहा है, और 5/3 माइनस 4/3 तो 3 to the power 2/3 आ रहा है। इसको हम 4 to the power 2/3 लिख सकते हैं इंटू 3 to the power 2/3, तो एक 4 को अगर हम अलग कर लें एक फोर को अगर हम अलग कर लें तो 4 × 9 की पावर 1/3 आ जाएगा, 4 × 36 to the power 1/3 is 2 1, इट मींस फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 4 इसमें रखेंगे तो ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, मींस हम एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं 3 cot² x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x और tan x का sec स्क्वायर x, और नीचे cos का डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस sin x प्लस पाई बाय 4। अगर अब हम पाई बाय 4 रखते हैं तो cot पाई बाय 4 हमारा 1 हो जाएगा और cos x पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 का उल्टा रूट टू का स्क्वायर 2, और ये भी हमारा 2 होगा, और नीचे पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 का साइन 1 होगा, तो -6 - 8/-1 इट मींस 8, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा 1 है, तो हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स लैम्डा रेशियो है रूट्स का, तो अल्फा बाय बीटा लिख देते हैं, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एलसीएम लेते अगर हम तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा आ जाएगा। इधर स्क्वायर कंप्लीट करना अगर हम अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वो इधर आएगा तो 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस बी बाय ए हम रखते हैं, और अल्फा बीटा हमें पता है सी बाय ए होता है, तो सी बाय ए हम रख रहे हैं।
अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे अगर हम तो एम स्क्वायर एम माइनस फोर स्क्वायर बाय नाइन एम फोर हो जाएगा, ये सब कट रहा है और यहां से हमें एम माइनस फोर स्क्वायर मिल रहा है 18, तो एम माइनस फोर हमें मिल जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 18। रूट ऑफ 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू टू मीन्स 3√2। एम हमारा आ जाएगा 4 प्लस माइनस 3√2। हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एम बतानी है तो एम की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 माइनस 3√2 हमारी हो जाएगी। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एस के हमें गिवन है एफ वन स्क्वायर से एस टेन स्क्वायर का सब 5a/12 है, तो हमें a फाइंड आउट करना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा दो k k+1/2, तो इससे हमें एस वन मिल जाएगा 2/2, एस टू मिल जाएगा 3/2 एंड डॉट डॉट एस टेन मिल जाएगा 11/2। ये वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं तो 2/2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर और ऐसे सिमिलरली 11/2 का स्क्वायर, ये हमारा आ रहा है 5/12a। 4 डिनोमिनेटर में से कॉमन करके इधर कैंसिल कर दो तो ये 2² + 3² up to 11² = 5/3a आ गया। यहाँ 1 माइनस और 1 प्लस कर रहे हैं तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स बन गया। इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं n n+1 2n+1 बाय 6 और ये हमारा 506 हो जाएगा। 506 - 1 505, तो इससे ए हमारा आ जाएगा 303। इट मींस फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, एक्स को पहले एक्स से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो dy/dx हमें मिल जाएगा dy/dx + y/x हमें मिल जाएगा log x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं पहले e^(p)dx। p हमारा हो गया 1/x और q हो गया log x, तो e^(p)dx e^(log x) आएगा जो कि हमारा x हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। अब सॉल्यूशन लिखेंगे y(integrating factor) = q (integrating factor) का इंटीग्रेशन प्लस c। इस पे बाय पार्ट लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, तो log x हमने वैसे ही लिखा, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन x का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, तो 1/2 x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 x²/2। y x आ गया हमारा x²/2 log x माइनस 1/4 x²+c। यहां पे x की वैल्यू 2 रख देते हैं, x की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे 2y = 2 log 2 माइनस 4 कट जाएगा 1 बचेगा प्लस c, ये हमारा आएगा। और y की वैल्यू में गिवन log 4 - 1/2, तो log 4 - 1/2 अगर हम रखेंगे या सीधे 2y की वैल्यू रखते हैं log 4 - 1, तो वन कट जाएगा और 2 log 2 log 4 भी कट जाएगा क्योंकि ये भी log 4 होगा, तो c हमें मिल गया 0। इससे हमारा y आ गया yx = x²/2 log x - x²/4। हमें y e फाइंड आउट करना है तो x की जगह e रख देते हैं e²/2 log e1 हो जाएगा माइनस e²/4। e a की कॉमन करके कैंसिल कर दो तो e/2 - e/4 बचेगा और हाफ में से 1/4 माइनस करेंगे तो 1/4 बचेगा। इट मींस e/4 हमारी वैल्यू आ गई, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 21 एक पैराबोला गिवन है y = 12 - x², तो पहले ये पैराबोला बनाते हैं y = 12 - x², इसमें माइनस कॉमन कर जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा। इट मींस ये पैराबोला हमारा ऐसा रहेगा, 0, 12 से पास करेगा।
इस पैराबोला के अंदर एक रेक्टेंगल है, इस पैराबोला के अंदर एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का बेस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हमसे कहा गया है कि मैक्सिमम एरिया इस रेक्टेंगल का कितना होगा। अब यहां पे ध्यान हमें ये देना है कि ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अगर हम इस कोऑर्डिनेट को ए कॉमा जीरो कह दें तो ये कोऑर्डिनेट हमारा माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगा। सिमेट्रिकल रहेगा रेक्टेंगल क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिकल है। ये ए कॉमा जीरो है तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं ए और सेकेंड कोऑर्डिनेट पैराबोला पे, तो 12 माइनस ए स्क्वायर रहेगा। और सिमिलरली ये पॉइंट हमारा माइनस ए कॉमा 12 माइनस ए स्क्वायर रहेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब हम इजिली लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी हो गई 2a और ब्रेथ हो गई 12 माइनस ए स्क्वायर। डी ए बाय डी स्मॉल a अगर हम फाइंड करें 24a का डिफरेंशिएशन 24 और 2a क्यूब का 3a स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो 24 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। यहां से हमें a स्क्वायर मिल गया 4। अगर हम a स्क्वायर 4 यहां पे रख दें और a 2 यहां पे रख दें तो हमें एरिया मिल जाएगा 2 इंटू 2 12 माइनस 4 4 इंटू 8 इट मींस 32। 32 इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करें। दो सर्किल से एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा सेंटर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल्स को ज्वाइन करके इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब पहले हम सर्किल से सेंटर और उसका रेडियस पता कर लेते हैं। पहले वाले सर्किल को हम लिख रहे हैं एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन होगा तो हमने माइनस वन करा है। और सिमिलरली वाई माइनस वन का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई होगा तो माइनस वन हमने करा है और ये माइनस टू वैसे ही, तो ये फोर उधर चला जाएगा। एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर मीन्स टू स्क्वायर मिल रहा है। तो पहले वाले सर्किल का सेंटर हमें मिल गया 1.1 और इसका रेडियस हमें मिल गया 2। सेकेंड सर्किल को देखते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x है तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, माइनस 9 करूंगा और वाई माइनस 3 का स्क्वायर कर रहा हूं अगेन, फिर 9 करूंगा और फिर 14 इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं। तो इसका सेंटर मुझे मिल रहा है 3.3 और रेडियस इसका मिलेगा 18 माइनस 14 4 मींस अगेन 2। इसका रेडियस भी हमें 2 मिल रहा है। अब सेंटर्स के बीच का अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर तो ये आ रहा है रूट ऑफ 8। डी स्क्वायर ये डिस्टेंस का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के इक्वल है। इट मींस ये सर्किल्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अगर ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हम लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट मींस 2 है। तो जो टोटल एरिया क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा पी सी वन क्यू सी टू का वो हो जाएगा हमारा इसी का डबल मींस 4। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट। एफ एक्स हमें मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स दिया है, इंटरवल गिवन है माइनस पाई से पाई और हमें बताना है कि ये कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ऐसा रहेगा और माइनस पाई से पाई हमें बनाना है। तो माइनस पाई से पाई हम इसको ड्रॉ करेंगे और कॉस एक्स का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। हमको माइनस पाई से पाई ड्रॉ करना है और इसमें मिनिमम ड्रॉ करना है। तो मिनिमम अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे चलना है और फिर ये ऐसे चलना है। मिनिमम वाला पोर्शन मैं डार्क कर दे रहा हूं, फिर ये ऐसे आया
और ये यहाँ पे टर्मिनेट हुआ। तो माइनस पाई से पाई ये मैंने ग्राफ ड्रॉ करा है। अगर आप देखेंगे किन किन पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट ये दिख रहा है हमें और एक पॉइंट ये दिख रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा जहां पे साइन और कॉस सेम वैल्यू देते हैं, वो पॉइंट हमारा पाई बाय फोर है। और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो पाई से पाई बाय फोर पहले वो पॉइंट पड़ रहा होगा। तो पाई से पाई बाय फोर पहले अगर पड़ रहा होगा तो माइनस थ्री पाई बाय फोर होगा। तो दो पॉइंट्स हमें मिल गए, माइनस थ्री पाई बाय फोर और पाई बाय फोर। इन पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। अब ये जो पॉइंट्स है किस सबसेट में लाए कर रहे हैं ये देख लेते हैं। तो माइनस थ्री पाई बाय फोर, पाई बाय फोर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, थर्ड वाले में है, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने, एक लाइन दी हुई है और ये परपेंडिकुलर है एक ऐसी लाइन की जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो हमें बीटा फाइंड आउट करना है। इसका स्लोप हमें दिख रहा है टू बाय थ्री होगा और इसका स्लोप y2 टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, फिफ्टीन माइनस सेवन करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो m1 वन इंटू एम टू ये हमारा माइनस वन होगा, तो बीटा माइनस सेवनटीन हमारा माइनस ट्वेल्व आ जाएगा। इससे बीटा हमारा आ जाएगा सेवनटीन माइनस ट्वेल्व मीन्स फाइव। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पे आते हैं, इसमें एक पैराबोला गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इस पैराबोला पे दो पॉइंट है, नाइन कॉमा सिक्स और फोर कॉमा माइनस फोर, और एक पॉइंट एक्स है जो पैराबोला पे लाइक कर रहा है इस आर्क पे। इस ट्रायंगल का हमें एरिया कहा गया है मैक्सिमम है, तो बताओ कितना होगा, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स ध्यान हमें ये देना है, अगर हम चाहते हैं इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो तो बेस तो हमारा फिक्स है, अगर हाइट मैक्सिमम होगी तो इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम आएगा। और इसकी हाइट मैक्सिमम तब होगी जब यहां पे जो टेंजेंट बने वो इस पीक्यू के पैरेलल रहे। तो पीक्यू का स्लोप पहले हम लिख लेते हैं, पीक्यू का स्लोप कितना होगा। पीक्यू का स्लोप अगर हम देखेंगे वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, तो टू आएगा। यही हमारा टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए, टेंजेंट का स्लोप इसको डिफरेंशिएट करके मिल जाएगा, टू वाई इज वाई डैश इज इक्वल टू फोर। इट मीन्स वाई डैश इज इक्वल टू टू बाय वाई और ये टू के इक्वल है, तो वाई हमें मिल रहा है वन। वाई वन अगर हम यहां पे रख देंगे तो एक्स हमारा आ जाएगा वन बाय फोर। इट मीन्स पॉइंट एक्स हमारा हो गया वन बाय फोर कॉमा वन। अब हम इजिली एरिया ले सकते हैं ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया होगा वन बाय टू, नाइन सिक्स, फोर माइनस फोर वन बाय फोर वन और नाइन सिक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, माइनस थर्टी टू प्लस फोर माइनस थर्टी सिक्स प्लस फोर माइनस थर्टी टू प्लस थ्री बाय टू, माइनस सिक्सटी फोर प्लस थ्री माइनस सिक्सटी वन बाय टू ये आ रहा है, और थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर और नाइन थर्टी थ्री, थर्टी थ्री माइनस वन थर्टी टू माइनस में ये आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस वन ट्वेंटी फाइव बाय फोर आ जाएगा। इट मीन्स एरिया हमारा वन ट्वेंटी फाइव बाय फोर है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन हमारे सामने है, सम ऑफ डेरिवेशन ऑफ फिफ्टी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम थर्टी हमें दिया है फिफ्टी। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस थर्टी एन गोइंग फ्रॉम वन टू फिफ्टी इज इक्वल टू फिफ्टी, ये हमें गिवेन है। तो सिग्मा एक्स हमारा हो जाएगा फिफ्टी प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 50, और अगर हम 50 इसमें से कॉमन करके इधर भेज दें तो सिग्मा एक्स बाय 50 हमारा 31 आ जाएगा, और यही हमारा मीन होगा। तो मीन हमारा आ गया 31, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन फाइंड आउट करना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ नहीं बनाना चाहते तो सीधे इंटीग्रेट करके भी आप कर सकते हैं, पर समझाने के लिए मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला ग्राफ होता है, पर ये 0.2 से पास होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू आपका ऐसा आएगा, और लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स जीरो तो y वन, तो ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी,
एक्स जीरो और एक्स थ्री, तो ये जीरो जीरो से एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम अपर कर्व में से लोअर कर्व माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन, और इसे इंटीग्रेट करेंगे जीरो से थ्री। तो जीरो से थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ रहा है, इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स हो जाएगा, और लिमिट अगर हम रखेंगे थ्री रखते हैं, ट्वेंटी सेवन बाय थ्री नाइन माइनस नाइन बाय टू प्लस थ्री, ट्वेल्व माइनस नाइन बाय टू, ट्वेल्व माइनस नाइन बाय टू अगर हम करेंगे ट्वेंटी फोर माइनस नाइन फिफ्टीन बाय टू हमारा आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। थ्री बॉक्सेस हैं इसमें, थ्री बॉक्सेस हैं हमारे पास, और थ्री बॉक्सेस में टेन टेन बॉल्स हैं, टेन बॉल्स इसमें हैं जिसमें वन से टेन तक लेबल्ड है, टेन बॉल इसमें, टेन बॉल इसमें। हमें इनमें से वन वन बॉल ड्रॉ करनी है सच डेट एन वन जो फर्स्ट बॉल पे नंबर रहे वो दूसरे से छोटा हो, और दूसरी बॉल पे जो नंबर रहे वो तीसरे से छोटा हो। टेन बॉल्स अगर हमारे पास है तो टेन बॉल्स में से थ्री बॉल्स चूज करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो टेन सी थ्री होंगे। टेन सी थ्री ही नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे अगर हम बॉल ड्रॉ करना चाहते हैं ऐसे कि पहली बॉल का नंबर दूसरी से छोटा और दूसरी बॉल का तीसरी से छोटा। एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज हमने बॉक्स वन से फोर ड्रॉ करा, फोर नंबर की बॉल, फाइव ड्रॉ करी सेकेंड वाले बॉक्स से, और सिक्स नंबर की बॉल ड्रॉ करी थर्ड वाले बॉक्स से, तो ये वाला वे इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। इस तरीके से एन वन लेस देन एन टू लेस देन एन थ्री वाले जितने भी वेज होंगे वो सब टेन सी थ्री में आ जाएंगे। टेन सी थ्री को सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल टेन बाय फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल सेवन, टेन नाइन एट बाय सिक्स, तो ये हमारा आ जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट है। नंबर 29, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है जीरो टू ए, तो इसको आई लेट कर लेते हैं, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं ए माइनस एक्स से, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अगर x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। g a माइनस एक्स की वैल्यू वहां से मिल रही है 4 माइनस dx, वो यहां पे पुट करेंगे तो 0 टू a f a माइनस एक्स को एफ एक्स लिख सकते हैं, g a माइनस एक्स की वैल्यू हमने लिख दी 4 माइनस dx, तो ये हमारा आ जाएगा 4 ऑफ एफ एक्स 0 टू a इंटीग्रल माइनस 0 टू a इंटीग्रल एफ एक्स dx। एफ एक्स जी एक्स को ही इंटीग्रल को ही हमने आई माना था तो इसको हम आई लिखे, आई इज इक्वल टू जीरो टू ए फोर ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस आई हमें मिल गया। इट मीन्स टू आई इज इक्वल टू जीरो टू ए फोर एफ एक्स डी एक्स, और टू से अगर हम ये कैंसिल आउट करेंगे तो टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हमें मिल गया। तो ऑप्शन मैच करते हैं, थर्ड ऑप्शन हमें दिख रहा है कि इसमें करेक्ट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू दी प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन्स हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले हम प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। प्लेन की इक्वेशन हम इजिली लिख सकते हैं, कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, ये वाला पॉइंट हम ले रहे हैं, तो x प्लस टू वाई माइनस टू जेड प्लस फाइव और थ्री फाइव सेवन और वन फोर सेवन, ये हमने डायरेक्शन रेशियो ले लिए जो लाइन्स के थे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस टू थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी एट सेवन बचेगा, माइनस वाई माइनस टू ट्वेंटी वन माइनस सेवन फोर्टी प्लस जेड प्लस फाइव ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो सेवन कॉमन करके इस तरफ अगर हम भेज दें तो एक्स प्लस टू माइनस वाई प्लस टू इंटू टू और z प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो जो हमारी इक्वेशन आ रही है x माइनस टू वाई प्लस जेड सिक्स प्लस फाइव इलेवन इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब प्लेन की इक्वेशन मिल गई हमें, इसका डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकालना है, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा
जीरो 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 यहां पे रख देते हैं तो 11 न्यूमरेटर में आ जाएगा और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 11 बाय रूट 6 ये हमारा डिस्टेंस आ गया, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट।